उत्तराखंड के दिनेशपुर में भारत गैस की होम डिलीवरी न होने से उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। त्योहार का सीजन है, इस स्थिति में अगर गैस घर में ना हो क्या स्थिति हो सकती है, इसका नज़ारा दिनेशपुर में देखने को मिल रहा है। जैसे कि दिनेशपुर भारत गैस एजेंसी की पिछले कुछ दिन से सप्लाई बंद है, जिसके चलते भारत पेट्रोलियम द्वारा अन्य एजेंसी से गैस की सप्लाई दी जा रही है। इससे पूर्व दिनेशपुर गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी कर गैस वितरित की जाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। गैस की गाड़ी आने का भी कोई समय निश्चित नहीं है। उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। उपभोक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। सुबह 8 बजे से लाइन में खड़े हैं, एक ही गाड़ी आई जो गैस की पूर्ति नहीं कर पाई। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले सिस्टम सही था, गैस की होम डिलीवरी जल्द से पूर्ति नहीं हो पाई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। दिक्कत क्या है भाई? वही है, देखो सुबह से 8 बजे से बैठा है, अब तक नहीं मिल गया। और खड़ा से बैठो, 8 बजे से। अच्छा, जगह का ठीक नहीं, कहीं कहीं मनमन जी कर रहा है। कल हुआ बैठा था, आज यहाँ बैठ रहा है। बहुत हम हुआ का लाइन से खड़े हैं, उधर बैठे हैं हम लोग। बहुत दिक्कत आ रही है आप लोग, अब क्या करें बताओ। मैं 8 बजे आया था, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, वो लाइन से बैठे हैं। हमने लाइन से बैठा है तो अभी आया गाड़ी, अब यहाँ से भाग के आया, साइकिल लेके रोका के यहाँ उतर दिया इन लोग। वहाँ गाड़ी उन्होंने वहाँ रोका था और फिर यहाँ रोकाया। होम डिलीवरी नहीं हो रहा है ना? कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों को काम धाम बंद करके आना पड़ रहा है? और क्या काम सब सुबह से बंद है, सुबह से खाए चार बजे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के अधिकारी से क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, हम गरीब आदमी, हम क्या कह सकते हैं? 70 आदमी वहाँ खड़े थे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।